Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to this channel. I am back with another interesting yet an important video. Yes, my dear students, those who are very eager to speak English, understand English or improve their English, this video is going to be very important for them. Watch the complete video and understand each and everything and then... कीप दीज थिंगस इन योर डेली रूटीन आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लेना है कैसे इंग्लिश बोलनी है कौन सी बुक से प्रेपरेशन करनी है कौन सा यूट्यूब चैनल वॉच करना है किससे बात करनी है लेकिन अगर आज आप चैनल पर न्यू आए हैं तो लेट्स लर्न विद होमेरा को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें फॉलो करें ताकि आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस और मेरा थर्टी डेज का क्रैश कोर्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश दैट इज कमिंग इन नेक्स्ट वीक इन ताला वो आपको डेली अपडेट्स की सूरत में मिल सके और आप उसे मिस ना करें तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस रिगार्ड इज कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन आपकी अपने आप से कमिटमेंट कितनी है आर यू डिटर्मेंट अनफ़ टू स्पीक इंग्लिश आर यू कमिटेड टू योर सेल्फ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश क्या आपके अंदर कोई ऐसा वलवला कोई जज्बा कोई अपने साथ प्रॉमिस कोई कमिटमेंट है कि मुझे सीखना है इफ़ यू आर determined enough, तो आप कुछ भी अचीव कर लेते हैं अगर आपका determination स्ट्रांग है अगर आपने कुछ जिंदगी में अचीव करना है और आपने उसके लिए इरादा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यही चीज़ आपका जो इरादा है आपका जो डिटर्मिनेशन है वो आपको हर वक्त मुस्तैद रखेगा लाइक आपको हर वक्त तैयार रखेगा रेडी रखेगा कि आपने नई चीज़ें सीखनी है और ये हमारा सेकंड स्टेप सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने नई नई चीज़ें सीखने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना है यू मस्ट बी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स यू मस्ट बी रेडी स्टडी गो आपको नया कुछ सीखने के लिए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं नए सेंटेंसेस मिलते हैं इफ़ अ टीचर इज़ टीचिंग यू इन द क्लास तो आपने विकैबलरी ग्रामर सेंटेंसेस की सूरत में अगर आपको लैंग्वेज स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है जो कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग है तो ये आपकी नॉलेज एनरिच हो रहा है आपकी जो पॉकेट है दैट इज़ गोइंग टू बिकम द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसमें अगर इजाफा हो रहा है तो फिर आप राइट ट्रैक पे हैं और यही आपकी फिर थर्ड ट्रिप टेक ट्रिप सॉरी टिप ट्रिक बन जाएगी कि आपके पास विकैबलरी जमा हो रही है आप ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आपको लैंग्वेज स्किल्स की समझ आ रही है तो दैट इज़ ऑन द वे आप सही ट्रैक पे जा रहे हो आपको इसी तरह से सीखने की जरूरत है सबसे पहले इरादा करना है इरादे के साथ स्टेप जुड़ा हुआ है जो कि है नई नई चीजें सीखनी है सीखने के लिए हम वक्त खुद को तैयार रखना है जब ये नई नई आप चीज़ें सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी विकैबलिटी बिल्ड होगी आपको ग्रामर की समझ आना शुरू हो जाएगी ग्रामर इतनी मुश्किल है नहीं जितनी मुश्किल बना के पेश की जाती है फिर आपको लैंग्वेज स्किल्स की समझ आ जाएगी ताला, फिर हमारे पास फोर्थ है जी कॉन्फिडेंस यस yes, आपने इरादा कर लिया आपने नई नई चीज़ें सीख ली आपको लैंग्वेज की भी नौ हो बन रही है आपके पास वोकेबलरी जमा हो गई है अब आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि यस, आई हैव टू डिलीवर मुझे डिलीवर करना है मुझे कम्युनिकेट करना है मुझे बोलना है मुझे ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना है एंड इफ़ आई डोंट हैव द ऑडियंस मेरे पास मेरी क्लास फेलोज हैं माई टीचर इज इन क्लास इफ देर इज माई कजन माई रेलेटि आई वुड लाइक टू स्पीक टू दैम अगर वो भी नहीं है तो एटलीस्ट आई वुड स्टैंड बिफोर अ मिररर एंड स्टॉट टॉकिंग टू माई सेल्फ ये फिफ्थ स्टेप और फिफ्थ टिप इज स्पीक स्पीक एंड स्पीक यस आपने अपने आप को बार बार मोटिवेट करना है कि अब बोलो बोलना शुरू कर दो स्टार्ट स्पीकिंग स्टार्ट सेंग थिंग इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द डिस्कशन Now give your answers in English. Yes.